दोस्तों, मेल और फीमेल के इंटरकोर्स के दौरान मेल का स्पर्म फीमेल के यूट्रस में जाता है, जहां वो फीमेल के एक को फर्टिलाइज यानी निषेचित करता है, जिससे एक बच्चे का निर्माण होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी स्पर्म के बनने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पुरुषों में स्पर्म का निर्माण पेनिस के नीचे वाले भाग टेस्टिस यानी अंडकोशों में होता है। किसी भी पुरुष में दो अंडकोश होते हैं और इन्हीं दोनों अंडकोशों में स्पर्म का निर्माण होता है। अगर हम टेस्टिस को अंदर से देखेंगे तो हमारा टेस्टिस कई ड्यूबों में बटा होता है, जिसमें बहुत सारे पतले पतले ट्यूब होते हैं, जिसे सेमिनिफेरस ट्यूब कहते हैं। अगर हम इस ट्यूब को अंदर से देखते हैं तो इसमें कुछ इस तरह से स्पर्म लगे होते हैं। जब हम एक ट्यूब को बीच से काट कर देखते हैं तो यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इस ट्यूब के अंदर मुख्य रूप से दो सेल पाए जाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया एक स्टेम सेल होते हैं और यही सेल स्पर्म का निर्माण करते हैं। सबसे पहले ये सेल विभाजित होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करते हैं। इसके बाद इनका अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे ये दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। अब इन दोनों कोशिकाओं का एक बार फिर से अर्धसूत्री विभाजन होता है और ये चार कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, जिसमें से प्रत्येक में 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसके बाद ये चारों कोशिकाएं मैच्योर होते हैं और मैच्योर शुक्राणु कोशिका बनाने के लिए पूंछ का विकास करते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को होने में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का बहुत बड़ा योगदान होता है और सर्टोली कोशिकाएँ इस पूरे प्रोसेस को कम्प्लीट करने के लिए पोषण प्रदान करती हैं। ये परिपक्व शुक्राणु अभी तक गतिशील नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें वृषण द्रव के माध्यम से एपिडिडिमिस तक ले जाया जाता है, जहां पर इनका पोषण होता है और ये गति करना प्रारंभ कर देते हैं। आपको बता दें कि इस पूरे प्रक्रिया को कंप्लीट होने में लगभग 65 दिन का समय लगता है, तब जाकर ये शुक्राणु स्खलन के लिए तैयार हो पाते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि सेक्स करते समय स्पर्म बाहर कैसे निकलता है तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें स्पर्म के निकलने की पूरे प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।